अबे चलते चलते का, ओए ओए यहाँ का, अबे मेरी छाती में घुस रहा है। ओ भाई उस नाली में से एक और सांप निकल के आ गया। भाई साहब तो ये तुम लोग को लग रहा है कोई बॉल है या कोई अलग ही अनोखा जानवर है? अरे वाह, इसके नाखून लगे ना हाथ पे, ये देखो छील गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यार थक चुका हूँ यार व्लॉगिंग कर करके, इतने सारे एडवेंचर कर करके, इतने सारे जानवरों की वीडियो बना बना के, इतने सारे खतरनाक खतरनाक इंसानों की वीडियो बना बना के, बहुत हो गई यार, बहुत एडवेंचर कर लिया, एडवेंचर मास्टर का ही बन गया हूँ मैं। अबे ये सब तो कुछ भी नहीं है, देख मैं तेरे को ना ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ऐसी जगह लेके जाऊंगा वहाँ जानवर क्या इंसान तक भी खतरनाक है। अच्छा भाई चल बे, बहुत जगह गया हूँ मैं, ऐसी पागल वागल हो गया क्या? रुक ये देख, ये देख रहा है ऐसी जगह भाई मैप में। अबे देख भाई देख कैसी कैसी जगह है, केलोन पता नहीं क्या क्या नाम है, यहाँ जाके दिखाना हिम्मत है तो अगर तेरे में। अबे इससे भी खतरनाक खतरनाक जगह गया हूँ मैं, तो फिर भी छोटी जगह है, चलेंगे, मैं तो तैयार हूँ, आपका भाई हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार होता है, आपका भाई शेर के मुँह में हाथ डाले ना सांप का जबड़ा निकाल देते हैं हाथ से पकड़ के। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तू जा, तू भी चलेगा मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ और क्या, तू भी मेरे साथ ही जाएगा, सही है ना? और बैठा रहे चुप करके, अब देख मैं क्या करता हूँ। और ये जगह तो दूर है, अभी रात हो रही है, तो फिर हम तो 12-13 घंटे बाद मतलब सुबह ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। चलो यार निकले, चलो भाई भाई निकल चुके हैं अफ्रीका के लिए, भाई बहुत दूर का सफर है तो यार सुबह ही पहुँचेंगे, तो चलो फिर निकलते हैं, वहाँ पहुँच के ही मिलते हैं खतरनाक जगह। 2000 years later मुझे लग रहा है यही गली है वो, यही है पक्का? हाँ हाँ मुझे यही लग रहा है, मुझे लग रहा है ये घर है वो। आवाजें लगते शायद आ रही है, आवाजें आ रही है मेरे ख्याल से, ऊपर कुछ है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ से, इसी घर से आवाजें आ रही है, पक्का वो यही घर है जहाँ पे दुनिया का हर जानवर पाया जाता है, अजीब वो गरीब जानवर। यहाँ से झाँक के देखते हैं, अंदर मुझे कुछ अजीब सा दिखा यार, गेट खटखटाते हैं, गेट खटखटाते हैं, खोलो भाई खोलो खोलो खोलो, अरे गेट तो खोलो, मुझे अजीबो गरीब से जानवर देखने जो यहाँ पाए जाते हैं। माना तेरे को डर नहीं लगता, क्या देखना है तेरे को? आपके पास क्या है? मेरे पास बहुत कुछ है, आ चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, आजा आजा। अब और कितना ऊपर जाना है? आजाओ आजाओ, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज है, आजाओ देखते हैं यार, पता नहीं कहाँ लेकर ऊपर है। ये क्या है? अरे भाई साहब चेक करो चेक करो। अबे भाई मेरे को तो डर ही लग रहा है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, इतनी सारी चीजें, आज तो मजा ही आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। यार आपके घर वाले आपको घर से क्यों नहीं निकालते, इतने सारा जानवर पाल लिए आपने? मेरे घर वालों ने मुझे निकाला, अभी तो मैं इधर रहता हूँ। अच्छा तो आपके पास कौन कौन से जानवर हैं? मेरे पास बहुत आला आला वाले जानवर हैं, तो देखते हैं ना, चलो चलो फिर चलो, इधर आओ मेरे। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे पक पक पकाक मुर्गियाँ हैं, इसके पिंजरे के अंदर आज मैं जाने वाला हूँ, एक आध मुर्गी मैं कहता हूँ पकड़ ही लेते हैं अपने ब्रोस के लिए। ये क्या है, ये इसके बाल कैसे हैं? और कौन से नाई से कटिंग करवाता है? और इसके बाल तो बड़े खतरनाक है भाई, ये कहाँ से अफ्रीका से मंगाया है क्या इसको? इसके बाल बैठते नहीं है क्या, सिर्फ बाल ही खड़े हुए ना इसके? इसका ब्रोस बन जाएगा, टिक्का बनेगा, ले जाऊं मैं बाद भाई को, बताना नहीं फिर तुम, ये नहीं कि तुम बाद भाई को बता दो बाद में। एक मुर्गी पकड़ूंगा मैं, बाकी भी दिखाओ बाकी कौन कौन सी हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी उनमें से एक ले लूंगा। ये इसकी बेगम है, इसके बाल तो सही है यार, इसने दो दो शादी की है ना, दो दो शादियाँ दूसरी येरी, अरे भाई दो दो बीवियाँ यार, ये तो नाइंसाफी है यार, ये मुर्गे दो दो शादियाँ करके बैठ रहे, हमारी एक भी नहीं हो रही। हो जाएगी, कब होगी, कब कब होगी यार, बस वैसे यार फहद भाई ने मुर्गा रखा हुआ है जिनकी दो दो बीवी है, और फहद भाई की कुछ ही नहीं है एक बीवी। चलो यार मैं काट रहा है, मैं कहता हूँ खड़े बाल वाले को बाहर निकालो, इसका मैं आज बना के खाऊंगा, साले ने दो दो शादी की हुई है, लियाओ 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 इसको लियाओ। भाई ये मुर्गी मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, ब्रोस्ट बनाऊंगा, फहद भाई को नहीं पता चलना चाहिए। चलो यार निकलते हैं, ब्रोस्ट बना लेंगे। किधर जा रहा है मेरा मुर्गा लेकर? मेरा मुर्गा लेकर किधर जा रहा तुम? नहीं नहीं फहद भाई मैं तो नीचे जा रहा था, उसको नहल पे लेके जाने था। माना तेरे को डर नहीं लगता, ये मुर्गे को ब्रोस बनाने लेके जा रहा था, तेरा ब्रोस बनाता हूँ। अबे इनमें से सोने के अंडे देने वाली कोई मुर्गी नहीं है क्या? सारी बेकार मुर्गियाँ रखी हुई है फहद भाई ने, इसको मैं काम करता हूँ बेच देता हूँ। फहद भाई ने अभी मुझे पकड़ लिया था इस मुर्गी को देखते, लेकिन मैंने फहद भाई को बातों में टाल दिया और फहद भाई नीचे गए। मैं तो कहता हूँ इसको बेच के पैसा कमाते है ना, यूट्यूब इनकम तो इतनी है नहीं अपनी। मुर्गी वाले ले लो ले लो, 200 रुपए की एक ले लो, अबे ले लो यार 100 की ले लो, चलो अच्छा 50 की लगा दी, अरे कोई तो ले लो नहीं।
भाई क्या प्यारे प्यारे खरगोश है, मतलब मैंने आज तक खरगोश पकड़े ही नहीं है। हम लोग फार्म हाउस गए, भाग रहे कुत्ते की तरह, ये वो इधर उधर। ये देखो यार इसकी आंखें देखो, लाल आंखों वाला खरगोश। लाल आंखों वाला जानवर बहुत रेयर होता है यार, मैंने देखा नहीं है। ये तो ऐसे कांप रहा है, बिल्ली की तरह है, बिल्कुल प्यारा है यार। इसको देखो यार कितना प्यारा है। इसको तो बेचने का दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन इसकी आंखें जरूर निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं हूं एक असल वैम्पायर। असल वैम्पायर का लुक देने के लिए आंखें भी तो आनी चाहिए ना, लाल लाल। सोचो मेरी आंखें लाल हो, बाद भाई को पता ना लगे इसकी मैं फौरन आंख निकालता हूं। ए खरगोश तू मुझे अपनी आंखें देता है कि नहीं? को लग रहा प्यार की जबान समझ लू कहाँ घुस गया। तो फाद भाई को पता चल गया तो मुझे जिबा कर देंगे वो। अबे इधर आ, बाहर निकलना। तेरे को पकड़ू मैं। ये मुझे उल्लू समझ रहा है, मैं वैम्पायर हूँ बेटा। ओ इधर आ, इधर आ, इधर आ। अबे तू अपने बिल में घुस रहा है। पकड़ा गया ना आज तो तेरी मैं आंखें निकाल के रहूंगा, लाल लाल आंखों वाले। बहुत भगाया भाई इसने मुझे, बहुत भगाया। अब देखो कैसे मासूम सी शक्ल बना रहा है, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। निकलने वाली है, नट लूज हो रहा है इसका। हो गई आंख हाथ में, इसकी आंख तो हमने फाइनली निकाल ली है। अबे गिर ना जाए, एक तो ये बबल सी है, यूं 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 हो रही है इधर उधर। वहाँ पे जाके लगाता हूँ रोशनी में, ताकि सही दिखेगी। अबे बहुत निकल रही है इसकी आंख, पे आंख गिर जाएगी। वो गई भैंस पानी में, गई आंख। जो चीज आ रही है हाथ में शार्ट हो जा रही है, कभी मुर्गी कभी वो। मोर देखते हैं क्या है, खरगोश भी हाथ से निकल गई। वो क्या है भाई? ये मुर्गी देख के तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ छोटा सा बच्चा है मुर्गी का, लेकिन नहीं, इसकी हाइट छोटी है, ये 3 साल की मुर्गी है। मतलब ये जितने भी बड़ी बड़ी मुर्गियां बन रही है ना, सबसे बड़ी है उम्र में, लेकिन इसकी हाइट मेरी तरह शुरू होते ही खत्म हो गई। शुरू होते ही खत्म हो गया। खैर यार अब आगे चलते हैं और देख। क्या है यार, खारिश हो रही है सर में, जुए ज्यादा आ गई क्या? यानी जुए ज्यादा हो गई है। ये क्या है? ओबे भाई ये कौन सा कीड़ा है? ओ भाई मेरे बालों में से ये क्या क्या चीजें, कौन से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं? अबे ये तो केकड़ा है। अबे ये केकड़ा मेरे कहाँ जा रहा है? चलते चलते चड्डी में ना घुस जाए। अब इसको रोको भाई। ओ भाई काट भी सकता है ये, डंगे दो दो। अबे चलते चलते यहाँ पर, अबे मेरी चड्डी में घुस रहा है ये। फाद भाई, फाद भाई इसको देखो। अबे निकल गया अंदर। अबे भाई क्या शोर मचा रहा, खड़ा हो गया पता नहीं कब से, क्या ये क्या है मेरी चड्डी में घुस रहा है, क्या है भाई पता नहीं क्या छोड़। अबे क्या यार तू छोटे मोटे कीड़े से डर रहा है, मेरी चड्डी में घुस जाएगा, मुझे ये हो जाएगा मुझे। अबे छोड़, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ बड़े बड़े जानवर। अभी बड़े कौन से भाई, इतने बड़े बड़े मुर्गियाँ थी मैंने देखी है 3-3 साल। बहुत खतरनाक वाले जानवर दिखाता हूँ। कौन से खतरनाक जानवर है? अबे कौन से खतरनाक जानवर यार? ये क्या, क्या तुम बच्चों वाले जानवर देख रहे थे? और भाई का असल मजा, और इसके दो दो मुंह है, और ये दोनों मुंह से ऐसे डसता है। अगर इसके दो दो मुंह है तो ये पोटी कहाँ से करता है? ये तो मुझे भी नहीं पता। ओ भाई उस नाली में से एक और सांप निकल के आ गया। ओ भाई ये दो दो सांप, एक तो ये फाद भाई वाला है, एक दूसरा पता नहीं कौन सा आ गया। भाई क्या लग रही है कमेंट में बताओ। तुम लोग के पास 5 सेकंड है भाई, इसके कांटे मुझे इतने चुप रहना हाथ में, क्या बताऊं। तुम लोग को क्या लग रहा है अभी तक? तुम लोग नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग बिल्कुल गलत हो। ये तुम लोग को लग रहा है कोई बॉल है या कोई अलग ही अनोखा जानवर है, लेकिन इसका तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा लेकिन देखने को बहुत कम मिली होंगी ये चीजें। ये है कांटों वाला चूहा, और इसके कांटे असल में चुभते हैं। और इसका मुंह कहाँ है, मैं ये बात से हैरान हूँ, उसका मुंह किधर है भाई? चारों तरफ से तो उसकी गोला बंद है बिल्कुल बॉल की तरह। तो चलो उसको नीचे रख के देखते हैं है क्या चीज। अरे भाई ये तो खिलौना लग रहा है मेरे को, कैसा है? ओए ओए टांगे भी है इसकी, टांगे भी है। ओए मुंह निकाल लिया, ओए मुंह निकाल लिया, देखो अभी कैसा गोल हो गया था, एकदम मुंह निकाल लिया। अरे भाई मैं अगर इसको हाथ लगाऊंगा तो मुंह अंदर कर, इसकी शक्ल देखो तुम लोग। अबे भाई इसको नीचे तो रख दिया मैंने, अब इसको उठाएंगे कैसे? कांटे चुभ रहे हैं मुझे एकदम। छोड़ो यार इसको घूमने दो इधर। अरे माशाल्लाह यार ये तो जबरदस्त है यार, मतलब कलरफुल प्यारे से हैं। ये देखो। अरे ये क्या है? ये तुम्हारे से भी बड़ा है। अरे ये इतना सा टर्टल है, क्या हो गया ये मेरे से बड़ा पागल? 20 साल? 20 साल, ये 20 साल का है? अरे इसकी हाइट क्यों इतनी छोटी है? इसकी तो हाइट मेरे से भी कम है यार। अबे भाई ये क्या है? यार ये सांडा है। ये सांडा है? अबे भाई इसकी शक्ल तो देखो, ये मगरमच्छ की छोटी नस्ल लग रही है मुझे, और शक्ल से तो चुक्कल ही लग रही है। ये कहाँ से ले आए हो यार इतनी खतरनाक? हम लोग सब जो रेस्क्यू करते हैं ना, हमारी टीम है रेस्क्यू टीम। अच्छा रेस्क्यू टीम है, पकड़ते हो जंगलों से? नहीं
नहीं जंगलों से नहीं पकड़ते, जो घर वगैरह में निकल जाते ना। अच्छा उनको हम पकड़ के फिर उसको रिलीज। भाई ये कभी मेरे घर में ना निकल जाए यार, इतनी मोटी है। भाई छुपकली और कुत्ते से मुझे दोनों से बहुत डर लगता है। ये तो भाई डग से जो चू चा कब से शोर कर रही है, चुप कर दे ये, चुप चुप, सुनती नहीं है यार। तुम लोग ही सुन लो, सब्सक्राइब कर दो यार, ये तो नहीं सुनती मेरी। अब चुप हो जानो, समझ नहीं आती क्या? क्या तुम बत्तखे चत्तखे देख रहे हो, चेक करो कितनी खूबसूरत है। माशाल्लाह भाई, क्या रंग और रूप है इसका। अरे वाह यार वाह, अरे माशाल्लाह यार बहुत प्यारी है, इसका कलर बड़ा बेहतरीन है। कैमरे पे मारा बंदर ने। ओ भाई ये तुम लोग ने कैच किया। बंदर बचत हो गई तेरी, ये काट लेता मार देता है। ये मारता है? अबे ये बंदर ही है, खूनी बंदर ही है। हाँ और इसकी शादी भी नहीं हुई है। शादी भी नहीं हुई है? नहीं तो आपने क्यों नहीं की है? ओ भाई इसकी शक्ल देखो, गुस्सा करी। अबे मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? ओ भाई चमाटे करा रही है, बहुत प्यारी बंदरिया है भाई। इसका रिश्ता नहीं हुआ, अगर किसी को कमेंट बॉक्स में बता दो अगर किसी से शादी करनी है तो। कवारी बंदरियो है, तेरा ही रिश्ते की बात कर रहा हूँ ठीक है। अटैक करो, अटैक कर रही है भाई। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब नहीं भाई, अटैक कर रही है। अगर ऐसी खतरनाक बीवी किसी की हो उसका तो बेड़ा खराब ही हो जाए। खत्म हो जाएगा वो तो, तुम्हारा शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। तू भड़क रही हो मेरे पे, देखो कुछ प्यार भरी बातें कर लेते हैं। हाथ मेरो, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करने जा रहा हूँ, तुम इतना भड़क रही हो। अब तुमने दुश्मनी कर ली है ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता सब खत्म। अब मैं पंजा लड़ाऊंगा तुमसे। आओ आओ, तुम्हारे लिए थोड़ा प्यार बचा हुआ है तुम्हारे लिए तो। अच्छा हाथ मिला लो। अरे वाह यार, कसम से इसके नाखून से लगे ना हाथ पे, ये देखो पूरा छील गया इसने। यार कसम से इतने अंदर तक गए इसके नाखून मेरे हाथ में। अबे यार क्या यार, तुमने बंदरिया से कटवा लिया, तुम्हें तो उससे शादी करनी थी। अजीब हो यार, तुम मुझे बुला लेते, मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा था। कट्टी कर लिया, अब शादी नहीं करोगे? नहीं भाई, आपके अजीब अजीब जानवर रखे हुए, बंदरिया भी ऐसी रखी हुई है, शादी के लायक हो ना करूँ मैं? मार रही है ये, वो खींच रही है, अजीब इंसान है वो। तुम भी बंदरिया तो नहीं बन गए? नहीं नहीं मैं तो इंसान हूँ, लेकिन ये जानवर अजीब और गरीब नहीं रखा। अबे भाई ये मेरे जानवर थोड़ी हैं। फिर किसके? अभी तो आप बोले थे मेरे हैं ये। अरे यार ये मेरे नहीं है, ये इस बंदे के जानवर हैं। हाँ भाई ये कैसे जानवर रखे हैं यार आपने, कैसे झेलते हो उस बंदरिया को? भाई रेस्क्यू किए ना ये। रेस्क्यू किए? बंदरिया है उसको बंदर तो चाहिए ना, तो उसकी शादी वादी भी कराओ। कब करा रहे हो? रिश्ता ढूंढने। अबे तो हमने रिश्ता ढूंढ लिया ना। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बस अब जाने, चलो बंदरिया। स्कूल यही तेरा ट्यूशन, बकरी साले तू खाता है लूसन, डीएम में नर बने सामने तो मुंह बंद, छोटे तू इतने मारता है क्यों बंद। भाई ये जो भाई है यार, ये वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू करते हैं, मतलब इधर उधर से घरों में अगर तुम्हारे आ जाएगी कोई अलग सा जानवर, तुम डरोगे भाई, उसको मार नहीं देना। इन भाई साहब को आप कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल का नाम बता दो भाई अपने। डेरिंग रहमान। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहला उस पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओ इनके चैनल पे। ये भी भाई इन तरह की वीडियो बनाते रहते हैं अपने जानवरों की, अगर उसमें तुम इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हो यार। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी इस बंदरिया से शादी कराना। नहीं नहीं मैंने बोला था।